आंसू आ जाते हैं। सच्ची बात है, हमें तो सुन के आंसू आ रहे हैं कि आखिर आप लोग किन हालातों में वहां से इधर आए। बहुत हालत खराब, लड़कियां नौजवान छीन ली उन्होंने जी, कई कई लड़कियां ने कुआं में जान दे दी अपने इज्जत को बचाने के लिए जी। जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, गला भी खाली जब बची हुई थी, जरा सा बीमार हुआ तो मर गया। और फिर थोड़ी मिट्टी खोद लेनी, हाँ जी, और उसके ऊपर मिट्टी डाल कर फिर, अच्छा बस मिट्टी खोद दी और उसको दफन कर दिया वहीं पे, बस मतलब अंतिम संस्कार करने की कोई बंदोबस्त नहीं। रेलगाड़ी काट दी पूरी उन लोगों ने, आहा, पूरी रेलगाड़ी काट डाली, पूरी रेलगाड़ी काट डाली, और फिर इन्होंने भी उसके बदले में काट डाली, हिंदुस्तान के लोगों ने भी उसके रिपरकशन, हाँ, बदला ले लिया था। अच्छा, पूरी आप लोगों को मालूम रहा होगा कि क्या हम लोग कभी पति पत्नी बनेंगे आगे चल के? नहीं, नहीं, नहीं। जब ऐसा ये करें ना, ये हमारे नेता लोग करें तो ये अमेरिका से कम नहीं है देश। तो वहाँ की आबो हवा कैसी थी? हमें तो अब तक ऐसी मिली नहीं, हाँ, जितनी अच्छी थी। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी आवाज थी, और जमीन भी अच्छी थी, जमीन भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो तो बताते मर रहे भूखे, अपने नीर से मर रहे, डोंगा चला वो भी हमें हुआ। अच्छा, जब कोरोना, डेंगू भी हुआ, डेंगू भी हुआ, कोरोना भी हमें हुआ, कोरोना भी हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं, हम साझा करते हैं आपसे तारीख के उन पन्नों को जिन्हें मीडिया की मुख्य धारा से दूर रखा गया। अगर दिखाया भी गया तो उस अंदाज में नहीं दिखाया गया जिसके वो हकदार थे। ऐसे बुजुर्ग, ऐसे लोग जो हिंदुस्तान को तकसीम होने के बाद जब दो टुकड़े हो जाते हैं, एक बनता है हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान, उधर से इधर आने वालों की संख्या बहुत थी लेकिन इधर से उधर जाने वालों की संख्या बहुत कम थी। उसके बावजूद अभी बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं हमारे बीच में जो अपनी हर्ड बीती, अपनी जो सच्चाई है, अपना दर्द है, उसको साझा कर पाएं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि मैं ऐसे लोगों तक पहुंचूं अपने चैनल के माध्यम से जो बंटवारे में पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। हालांकि तब तो वो भी हिंदुस्तान ही था, लेकिन जब दूसरा देश पाकिस्तान बन गया उसके बाद वो इधर आए तो उन्होंने क्या महसूस किया, कितना दर्द था, कैसे कुछ उनके साथ हुआ और किन हालातों में वो जिंदा बचे, और जिंदा आकर के उन्होंने यहाँ पर अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश किया और अभी तक वो हमारे बीच में जीवित रह पाए। कोविड का दौर बीता, उसके बाद तमाम तरह की बीमारियाँ आईं, लेकिन उनकी जीविशा, उनकी लॉन्गेविटी थी ये जिसने उनको जीवित रखा। हमारे बीच में है सरदार अजीत सिंह जी, जिनसे मिलने के लिए हम आए हैं आज। लखनऊ से लगभग 250 किलोमीटर दूर हम उनके फार्म पे पहुंचे और हमने उनसे बातें करी, उनके दर्द को जाना और वो क्या चीज़ें थीं जिससे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो जानकर उस दर्द को महसूस करके जो उन्होंने फील किया, रास्ते में झेला। आइए बात करते हैं सरदार जी से। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। असी एमपी सिंह लखनऊ तो आए। हाँ जी। हिंदी से गल कर सकते ना? हिंदी आती है आपको? पंजाबी बोले, हिंदी। हिंदी बोलो जी। हिंदी बोल रहे हैं। हमारे दर्शक जो हैं, अच्छा, हिंदी सुनने वाले ज्यादा हैं। अच्छा, हालांकि अच्छा, पंजाबी भी सुनते हैं। हाँ। आपको लोग कनाडा, फ्रांस, जापान, चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान, हिंदुस्तान हर जगह देख रहे हैं। अच्छा। तो बाबू जी, जैसा कि मुझे मालूम पड़ा कि आप बंटवारे में पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। हाँ जी। आपकी उस समय उम्र क्या थी? उस टाइम हमारी उम्र 15 साल की। 15 साल की आयु थी आपकी। हाँ। बंटवारा हो गया। हाँ जी। ये जानकारी आपको कैसे पता चली? जानकारी गांव में सब जन से मिल के एक रेडियो ले लिया था, बैटरी वाला रेडियो। हाँ जी जी। उससे फिर अनपढ़ लोग थे। हाँ जी। दो तीन आदमी लड़के पढ़े लिखे थे, वो फिर खबर बताते थे। तो रेडियो से आपको पता लगा? रेडियो से। हमारा देश आजाद हो गया है। हाँ जी। और आजाद होने के साथ साथ में आजादी की खुशी तो हमें कम है लेकिन बंटवारे का गम ज्यादा है। तो बंटवारे के गम तो ऐसा है ना, माँ से बच्चे बिछड़ गए कई लोग। बाबू जी, गांव का नाम क्या था आपने, जहाँ पे आप रहते थे? गांव का नाम नंबर थे उधर, चक नंबर।
हाँ जी चेक नंबर से। हाँ जी क्योंकि नई जमीन मिली थी। हाँ जी तो वो नंबर 292 चेक नंबर 292। हाँ जी जिला को याद होगा कुछ? हाँ जी जिला क्या था जनपद? लैलपुर। जिला लैलपुर। तहसील? तहसील दो शहर थे लागे 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 पता नहीं टोबा था या गोजरा। टोबा या गोजरा। हाँ जी पाकिस्तान का टोबा या गोजरा। जिला लैलपुर चक नंबर 292। हाँ जी वहीं आप बैठे थे। हाँ बैठे। तो आपको जब बंटवारे की बात मालूम पड़ी। हाँ जी। कि अभी देश तकसीम हो रहा है अलग अलग टुकड़ों में, तो फिर क्या रिएक्शन था आप लोगों का? ऐसा था कि कुछ डरने लगे लोगों का। अच्छा बहुत ज्यादा डरने लगे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए जी। तो फिर गांव वाले ने सब ने सलाह कर ली कि आज रात को चले चले। गांव की आबादी क्या रही होगी जिसमें आप रहते थे? आबादी खूब अच्छी तगड़ी थी। तगड़ी आबादी थी। हाँ जी। कौन कौन जातियों के लोग वहां रहते थे? जाति मुझे ऐसा था ना, एक ही जाति थी हमारी, सिख। सिख बस। मुसलमान नहीं थे ना? अच्छा वो जमीन अंग्रेज ने हमें दी थी हमारे बुजुर्गों को 25-25 एकड़ मतलब फ्री में। फ्री में दी थी। हाँ इसीलिए उधर चले गए थे। अच्छा तो आप लोगों को भगाया नहीं गया वहां से, आप लोग अपने आप चले आए? अपने आप चले आए। कोई एक गांव उठा और दूसरे और आगे मिल गए और आगे मिल गए। कम से कम 1 किलोमीटर काफला कहते थे उसको। काफला। हाँ काफला जी। 1 किलोमीटर लंबे लड़ियां। आप जब अपने घर से निकले तो कितने लोग आपके साथ में थे उस रात में? पूरा गांव। पूरा गांव इकट्ठा निकल पड़ा? पूरा गांव। लगभग कितनी संख्या थी गांव में? देख लो कि कोई 50 परिवार के। 50 परिवार। हाँ यानी कि अगर 5 लोग भी माने एक परिवार में तो 250 लोग लगभग निकले एक साथ। हाँ 250 लोग एक साथ निकले लगभग। एक साथ निकले गांव पूरा। रातों रात पूरा गांव सुनसान हो गया। सुनसान हो गया। जो भैंसिया और छोड़ दी। भैंस भी छोड़ दी उधर ही? हाँ दो बैल जो अच्छे अच्छे थे जी, वो डल पर बेचारी लड़िया थी उस जमाने में। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी। हाँ जी लकड़ी के पहिए होते थे। हाँ जी तो चले आए गांव वाले। एक गांव उठ के आया दूसरे ने पता लगा वो भी चले गए। वो भी साथ मिल गए। वो भी साथ मिल गए। लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन हो जाती थी। काफला 1 किलोमीटर लंबा बन जाता था। बन जाता। तो बाबू जी आप जब वहां से निकलने लगे अपने गांव से तो कुछ सामान ला पाए थे क्या? नहीं कुछ नहीं। कुछ ऐसा था ना कि जब सुबह सलाह कर ले क्या चले जाना तो उल्टी सीधी चीजें उस जमाने में चना घर में होते थे वो काफी भून लिए और बैलों का दाना ले लिया और उस जमाने में मिठाई गुड़ बहुत घर घर में होता था वो रख लिया। कुछ खाने पीने का सामान लाए और कुछ नहीं लाए। सब कुछ वहीं छोड़ दिया। वहीं छोड़ दिया। जमीन जायदाद बक्से कपड़े कुछ नहीं लाए। सब कुछ वहीं छूट गया। छूट गया ये बस यही कपड़े लाए। आपके परिवार में कितने लोग थे जब आप आए वहां से इधर? हम 5 भाई। अच्छा एक बहन। अच्छा हमारी माता पिता। माता पिता। तो किसी ने आपसे दबाव नहीं बनाया कि आप लोग भागिए यहाँ से? नहीं बस आप अपने आप चल जाए। अपने आप चल जाए किसी ने दबाव नहीं बनाया। जब आप जान गए कि अब सिख और हिंदू जो है वो पूर्व साइड में रहेंगे और यहाँ पर मुसलमान रहेंगे तो बेहतर है कि जान बचा के निकल चलो। चले गए बस। चले गए। अपने गांव से निकल के आप सबसे पहले कहाँ पहुंचे? पहले ऐसे सर अब तो नाम भूल गए हैं गांव का। अच्छा तो रास्ते में कौन कौन गांव कोई याद नहीं है किस किस गांव में गए। जी तो आपका पूरा गांव एक साथ था? एक साथ पूरा। तो क्या वो जो एक साथ गांव भर के लोग चले थे हिंदुस्तान तक महफूज पहुंचे सुरक्षित पहुंचे सब लोग? कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा वो भी बहुत ज्यादा आदमी थे ना सरदार लोग को। हाँ जी तो वो भी देखने को मिले नहीं वो भी डर जाते थे दूर चले जाते थे दूर भाग जाते थे दूर भाग। सुना है कि जब आपके काफिले निकल रहे थे
तो काफिलों पे हमले भी होते थे? होते थे, लेकिन हमारे काफिले पर नहीं हुआ। आपके काफिले पे हमला नहीं हुआ? नहीं, कोई। तो आप लोगों ने कौन सा रूट तय किया था वहाँ से आने के लिए? किधर से आए थे आप होके? हाई? सबसे पहले किधर से, कौन सा बॉर्डर आपने टच किया? क्या नाम है, लैलपुर, फिरोजपुर, फिरोजपुर हुसैनी वाला बॉर्डर? हाँ जी। हाँ जी, तो फिरोजपुर पहुंचे आप, कितने दिन लगे आपको पहुंचने में फिरोजपुर? लगभग लग ही गए 20 दिन। तो 20 दिन लग गए थे? हाँ जी। लैलपुर से फिरोजपुर बॉर्डर तक पहुंचने में 20 दिन का समय, 20 दिन का समय लग गया आपके काफिले ने लिया। तो रास्ते में बाबूजी कुछ बीमारियां, कोई हमला, कोई मृत्यु, कुछ ऐसा हादसा हुआ? हमला कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीमारी जी, ऐसे बीमारी थी, कोई कोई लोग थे, बस जरा सा बीमार हुआ तो मर गया। मर गया। और फिर थोड़ी मिट्टी खोद लेनी। हाँ जी। और उसके ऊपर मिट्टी डाल कर फिर, अच्छा, बस मिट्टी खोद दी और उसको दफन कर दिया वहीं पे? बस, मतलब अंतिम संस्कार करने की कोई बंदोबस्त नहीं? ना ना, ये चलना अगर सरकार करते तो फिर वो पीछे रह जाते किले। फिर तो खतरा था, डर के मारे सब कुछ हो रहा था। किसी भी तरीके से अपने साथी मिले, उनको वहीं दफन किया उल्टा सीधा और आगे बढ़ते गए। कोई उसका कोई खप्पर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। लगभग कितने लोग मरे होंगे आपके साथी बराती जो आए थे साथ में? हमारे एक तो मामा मरे। मामा खत्म हो गए? हाँ, रास्ते में ही। एक हमारे दादा खत्म हो गए, ताऊ जी। हाँ, अच्छा। और बहन हमारी बीमार रही होगी, वो इधर आके खत्म हो गई। वो यहाँ आके खत्म हुई। हाँ, तो बताते हैं कि उन काफिलों को, बैलगाड़ी के जो काफिले होते थे, उनको छोड़ने के लिए साथ में मिलिट्री भी होती थी? हाँ, ऐसे सारे लगभग 10 दिन चले थे पहले किले। अच्छा। उसके बाद मिलिट्री गई तो लोग डरने लगे कि मुसलमान मिलिट्री अब हमें मार देगी। अच्छा। तो उन्होंने बताया नहीं, हम ले आए हैं। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान की मिलिट्री हैं। हाँ जी। वो फिर हमें बॉर्डर ये इधर छोड़ कर फिर चले गए, फिरोजपुर बॉर्डर तक छोड़ा उन्होंने। हाँ, तो मिलिट्री कहाँ की थी, वो हिंदुस्तान की थी कि पाकिस्तान की थी? नहीं, हिंदुस्तान की। वो हिंदुस्तान की मिलिट्री? हाँ जी। हिंदुस्तान की मिलिट्री ने आपको महफूज पाकिस्तान फिरोजपुर बॉर्डर तक भेजा? फिरोजपुर बॉर्डर। अच्छा। तो बाबूजी रास्ते में आप लोग रुकते कहाँ थे, रात में काफिले कहाँ रुकते थे? जब रात, उस जमाने में जमीन खाली बहुत पड़ी होती थी, बंजर उंजर पड़े होते थे। हाँ जी। तो जब रात हो जाती थी सब जाने पे बैठ जाते थे। हाँ जी। काफी जगह गिर जाती थी जी, आज की तरह नहीं है कि फसलें। उस जमाने में जमीन खाली बहुत पड़ी थी। खाली बहुत पड़ी थी। हाँ जी। तो रात हो गई बैठ गए और सुबह सुते थे, चले गए, किसी ने चने खा लिए, किसी ने गुड़ खा लिया, किसी ने, और बैलों को भी तो गुड़ डाल देना। अच्छा। और ये दबसा दुबसा काट के डाल देना, और कुछ नहीं। खाने पीने का इंतजाम कुछ नहीं होता? कुछ था? नहीं था। कहीं रुक के आप खाना बनाते थे कि नहीं? है? रुक के रोटी वोटी बनाते थे कि नहीं कुछ? हाँ, बन जाती थी किसी टाइम, लेकिन कम बनती थी। हाँ। अच्छा। ऐसे रूखी सूखी अचार भी रख लिया था, अचार भी था, आटा रख लिया, तो वही बनाते खाते थे। हाँ। तो जो हमारे साथ, जो काफिलों में आपके साथ औरतें आ रही थी, वो सुरक्षित पहुंची? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा भी मैंने सुन रखा था कि जो पाकिस्तान के लोग थे वो औरतों को जो है जबरिया बलात्कार कर देते थे, रेप कर देते थे। ऐसा ही है, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। कोई कोई काफिला था, उनके साथ बहुत कुछ हो गया, लड़कियां नौजवान छीन ली उन्होंने जी, कई कई लड़कियां ने कुआं में जान दे दी, जान दे दी अपने इज्जत को बचाने के लिए। जी, बहुत दर्दनाक मंजर था वो। तो बाबूजी अभी आपकी उम्र कितनी है इस समय? 15 साल के थे उस टाइम हम। अभी कितने साल के हैं आप? हाँ, लगभग 95 साल के। 95 साल के। हाँ जी। तो जब 15 साल के आप थे तो तब तक तो आपको खूब याद होगा वहाँ का सब कुछ। कहीं स्कूल में नाम वगैरह लिखाया था कि नहीं? नहीं, नहीं। अच्छा, क्या काम करते थे आप वहाँ पे 15 साल? खेती। खेती करते थे? खेती करते थे। पिताजी के साथ में? हाँ जी। तो गाँव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था? ना, बहुत कम। बहुत कम। हाँ। स्कूल वगैरह नहीं थे? ना, कोई ना। कोई स्कूल नहीं थे?
मतलब ये नई जमीन पैदा आबाद हुई थी ना वहां पर, हाँ, जो अंग्रेजों ने आपको दी थी, बंजर बंजर जमीन थी, बंजर जमीन थी। आपके पिताजी जाके वहाँ बैठ गए। बैठ तो कितने दिन लगभग रहे उस जगह पर जहाँ पे आप लोग थे? पिताजी कब से रह रहे थे वहाँ पर? लगभग 40 साल। 40 साल रहे, हाँ। तो उस समय तो अंग्रेजों का ही राज रहा होगा ना? अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज हमने देखे, अंग्रेज देखे, हाँ, उनकी औरतें देखी। अच्छा, उनके बच्चे? हाँ, तो उनके कानून में अच्छे थे। उनका कानून अच्छा था? अच्छा था, जो करता था वही भरता था। अच्छा, और दूसरे ने के करिया किसी ने से भरिया किसी ने, ऐसे नहीं था। ऐसे नहीं था ना। तो बाबूजी कहते हैं कि अंग्रेजों का जो शासन था उस समय वो आपको अच्छे से याद है? अच्छी तरह याद। अच्छा, अंग्रेजी हुकूमत में जो काम जो अपराध करता था उसी को सजा मिलती? उसी को सजा मिलती, दूसरे अब को आप तो करे कोई तो सजा दूसरे को। हाँ, सजा दूसरे को मिलती है। तो बाबूजी 25 एकड़ जमीन जिस पे आपके माँ बाप 40 सालों से काबिज थे वो जब पाकिस्तान में छूट गई, उसके बदले में हिंदुस्तान में आपको कुछ मिला क्या? हिंदुस्तान में नूरमहल गाँव था, शहर जी, और फतेहपुर में मिली, पूरे गाँव का मिल गई। अच्छा, हाँ, मकान में मिला। जो वो चक नंबर 292 से लोग आए थे सब इकट्ठे इकट्ठे आ गए, सब इकट्ठे। कहाँ पहुंचे आप लोग, किस गांव में? वहाँ पहले अमृतसर में पुराने बुजुर्गों का गांव था, पहले वहाँ गए आप लोग? हाँ, पहले वहाँ गए। अच्छा, और फिर वहाँ से जब सरकार ने मंगाए कागज उधर के, हाँ जी, इन्होंने उधर दे दी उन्होंने, बिल्कुल, फिर हमें जमीन मिल गई। तो फिर कहाँ मिली जमीन आपको? फतेहपुर। फतेहपुर, हाँ, पंजाब। हाँ जी, वहाँ पे कितनी जमीन मिली? वहाँ पर दो थे हमारे पिता भाई जी, 12-12 एकड़, 12.5 एकड़। यानी 25 एकड़ छोड़ के आए थे, हाँ, उसके बदले में उतनी मिल गई। उतनी मिल गई, हाँ, अच्छी बात है। और मकान मिल गया? मकान भी मिला, हाँ। जहाँ जो मकान मिला वो उसमें पहले कौन रहता था? मुसलमान। मुसलमान, वो पूरा गांव मुसलमानों का था। अच्छा, और पूरा गांव वो छोड़ के चले गए, पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान चले गए वो लोग, कहाँ के कुछ पता नहीं उनके बारे में? नहीं, कोई क्या पता, वो तो हमारे आने से पहले चले गए। अच्छा, तो बाबूजी 15 साल का बच्चा जो होता है उसकी तो दोस्ती वोस्ती भी हो जाती है आसपास के गांव में और शहरों में कस्बों में, तो आपका कोई दोस्त था जो अभी पाकिस्तान में ही हो? ऐसा था ना, 13 गांव थे। अच्छा, हमारी बिरादरी के। अच्छा, उसमें उनकी कोई दोस्ती नहीं थी, बड़े बुजुर्गों का होगा कहूँ ना कहूँ, हमारे कोई नहीं। आपका कोई व्यवहार ना, कोई दोस्ती नहीं, कोई ना। आप लोग सिर्फ सिखों से ही संपर्क रखते थे? हाँ, 13 गांव थे इकट्ठे। 13 गांव थे, वो 13 के 13 गांव चले आए पाकिस्तान से हिंदुस्तान? सब चले आए। सब चले आए, सभी लोग सुरक्षित आ गए? हाँ, कुछ नहीं हुआ उनको, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कई कई लोग तो वैसे परिवार ही खत्म हो गए। अच्छा, लेकिन हमारे काफला कहते थे उस टाइम, इकट्ठे होकर चलते थे, काफला कहते थे, काफला कहते थे, उनको कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जो लोग अकेले अकेले आए उनको दिक्कतें हुई? जो अकेले चले आए, कई सुनी जाती है कि एक रेलगाड़ी काट दी पूरी उन लोगों ने। आहा, पूरी रेलगाड़ी काट डाली? पूरी रेलगाड़ी काट डाली, और फिर इन्होंने भी उसके बदले में काट डाली है। इन हिंदुस्तान के लोगों ने भी उसके रिपरकशन? हाँ, बदला ले लिया था। अच्छा, पूरी रेलगाड़ी से भी काट दी? इन्होंने काट। हाँ, मैंने सुना तो है कि है? जब गाड़ियां आती थी तो ट्रेन तो आती थी मगर सवारी कोई नहीं उतरती थी ना, और उसमें क्योंकि लाशें होती थी चारों तरफ। लाशें, ऐसा ही है। ऐसा है, सच बात है बिल्कुल। आप लोग जब रास्ते में आए तो बरसात का मौसम था क्या? है, बरसात हो रखी थी जब नहीं, आप लोग? बड़ा अच्छा मौसम रहा, बरसात नहीं हुई। अगर बरसात हो जाती तो बहुत बुरे हाल हो जाते, काफिला पहुंच ही नहीं पाता। पहुंचे कैसे पाता, कच्चे रास्ते से, सड़क तो आई नहीं थी, पक्की सड़क उधर नहीं थी। नहीं थी ना। छोटे छोटे बच्चे भी रहे होंगे आपके साथ काफिले में? छोटे छोटे बच्चे, परिवार पूरा, छोटे भी बड़े भी सब आए। अच्छा, हमने कई कई लोगों के पास ये डलवे नहीं थे जी, तो उनके जो हमारे जैसे बुजुर्ग थे वो तो पहुंचे नहीं पाए। हाँ,
हमने देखा कि एक बुजुर्ग जैसे परेशान है तो ऐसे कर मुंह में पानी डाल दो, लेकिन किसी ने डाला नहीं है। अच्छा, वो बिना पानी के मर गए? हाँ, वो उधर रह गया। ओहो, हालत तो बहुत खराब हुई है। हालत बहुत खराब हुई, लेकिन कोई हालचाल पूछने वाला नहीं था? कोई ना। ये लोग कौन है, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? यहाँ सरकार तो अपने आप कुछ नहीं था। सभी को प्रधानमंत्री बनने की जल्दी पड़ी थी, बस उन्हें के हमें कुर्सी मिल गई। हाँ, बस 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 बस, वो तो यही प्रचार करते थे, नेहरू जी थे। हाँ जी, नेहरू जी थे, तो यही प्रचार करते थे भाई अपने हिम्मत न हारो, हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, अपने दम पे आ जाओ तो आप आओ। अपने दम पर हुए, हमने नौकरी भी करी है। अच्छा, होटल पर नौकरी करी है। वहां से आने के बाद? हाँ। कहाँ पे नौकरी की बाबूजी? वो इधर के लोग थे। अच्छा, हमारे गांव में बहुत बड़ा कॉलेज है और महाराजा रणजीत सिंह के टाइम का बनाया, उसी ने बनाया। हमारे गांव में महाराजा रणजीत सिंह की एक रानी थी, पुराने गांव में। अच्छा, अमृतसर में पुराना गांव था ना, उसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो उस बारे वो कॉलेज बहुत सारे होटल और दुकानें बड़ी, मतलब नई जगह पर शहर बस गए। अच्छा, तो वहाँ हमने नौकरी भी करी। कितने दिन नौकरी की आपने? हमने करी 8-7 साल। 8-7 साल होटल में नौकरी की। हाँ जी। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने के बाद? हाँ जी। कोई रोजगार नहीं था आपके पास ना? कोई जमीन नहीं थी आपके कुछ पास? नहीं, कुछ नहीं। अपने अपने हालातों पर जिंदा रहे, अपने मेहनत से। अपनी मेहनत से जिंदा रहे। मेहनत से, कहते हैं कि हिम्मतें मर्दा तो मदद पूरा। हमारे पिताजी जाते थे वो बिजली वाली तारें खींचने। अच्छा, 2 रुपया रोज मिलते थे। ओहो, हिंदुस्तान में। हाँ जी। आपको कितने पैसे मिलते थे होटल में काम करने में? हमें तो बहुत कम, 20 रुपये मिलते थे महीना। हाँ, महीना। और रोटी चाय मिलती थी, और उसके बाद फिर हम कुछ तेज ख्याल के थे। अच्छा, तो खाना वाना बनाना बढ़िया से बढ़िया हमने सीख लिया, तो फिर हमें 50 रुपये मिलने लगा। आपका प्रमोशन हो गया। हाँ जी बाबूजी, जब आपका काफिला आया पाकिस्तान से फिरोजपुर बॉर्डर पर हुसैनीवाला में, तो वहां पर हिंदुस्तान सरकार की तरफ से कुछ बंदोबस्त मिले आपको? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। वहां जब हम आए फिरोजपुर में, तो फिर मतलब आ गई थी। अच्छा, तो हम 4 दिन शराब पर बैठे रहे, भूखे प्यासे, पानी भी नहीं। 4 दिन बैठे थे? 4 दिन। और फिर इतना इतना पानी हुआ था, हमारे पिता कहने लगे चलो चाय पिए। तो ऊंचे पुल पर, फिरोजपुर का रेलवे का पुल था। हाँ जी। उस पर चाय बेचने वाला था। अच्छा, तो उस पर 4 दिन चाय पी। बाबू जी, बहुत दर्दनाक माहौल रहा होगा। कुछ नहीं, हम तो आपको बता रहे हैं, जब कोई कहानी किसी को सुनाए थे आंसू आ जाते। सच्ची बात है, हमें तो सुन के आंसू आ रहे हैं कि आखिर आप लोग किन हालातों में वहां से इधर आए। बहुत हालत खराब, बहुत हालत खराब थी। जब बंटवारा हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके कितने दिन बाद आप लोग निकल गए थे वहां से? निकल चले, जब रेडियो में प्रचार होने लगा। अच्छा, तो तुरंत क्या क्या मतलब, जैसे 14 अगस्त 15 अगस्त की रात जो है, वो जो रेडियो पर अनाउंसमेंट हुआ, आप लोग तुरंत निकल पड़े? सब, पूरा गांव, पूरा गांव। बता रहे हैं कि मार काट जो है उसके बाद शुरू हुई? उसके बाद शुरू हुई है, पहले नहीं थी। अच्छा, आप लोगों ने थोड़ा मतलब अपने आप को एडवांस वहां से शिफ्ट करने के प्रयास में ठीक ठाक माहौल में ही आप निकल पड़े। ठीक है, बहुत ठीक पहुंचे। रास्ते में आपको और भी काफिले दिखे होंगे आते हुए? नहीं, सिर्फ आपका काफिला था। हमारा काफिला बस तो आप बता चुके कि लगभग 1 किलोमीटर लंबा। आपका काफिला? हाँ जी। उन्हें 13 गांव का? 13 गांव का। अच्छा अच्छा, तो कोई हमला हमला नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान की पुलिस या पाकिस्तान के लोगों ने? हमें कुछ नहीं कहा, बिल्कुल कुछ नहीं कहा। शांतिपूर्वक आप चले आए। कुछ काफिले इधर से भी तो उधर जा रहे होंगे ना, आपको मिले थे क्या? नहीं मिले, नहीं मिले ना। इधर से जाने वालों की संख्या कम थी, उधर से आने वालों की संख्या ज्यादा थी।
इधर तो जैसा बैठे हैं लोग, अभी भी है ही है। पंजाब में कोई नहीं है? पंजाब में कम मुसलमान है? एक भी नहीं। पंजाब के लोग पाकिस्तान चले गए? हाँ। लेकिन और जो आगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात, वहां पर अच्छी संख्या में मुसलमान हैं? हाँ, बहुत हैं। जो रह गए? जी जी जी, ये सब राजनीति का ही चक्कर था कि उधर के लोगों को इधर भेज दिया, बेचारे बिना कपड़े के, बिना प्रॉपर्टी संपत्ति, अपनी भैंस जानवर सब कुछ वहीं छोड़ दिया, लेकिन इधर के लोगों को उधर बहुत ही कम संख्या में भेजा गया। ऐसा था ना, पंजाब में जब वो लोग चले गए हैं ना, तो वो पंजाब वाले जितनी उनकी जमीन थी, जितने उनके मकान थे, जितनी उनकी दुकानें थी, और सब हम लोगों को मिली जी। हाँ जी, जो शहरी लोग थे उनको दुकानें मिल गई जी, और जो गांव वाले जमीन वाले थे उनको जमीन मिल गई। जमीन मिल, हाँ जी। तो लेकिन बंटवारा तो दो मुल्कों का हुआ था, दो तो पंजाब तो सिर्फ एक प्रांत है, प्रदेश है, एक मुल्क के बदले में सिर्फ एक प्रांत मिल गया, तो ये जीत थोड़े कहेंगे इसको। मेरा मतलब है बंटवारा तो दो देशों का हुआ था, यहाँ पर सिर्फ पंजाब के लोग पाकिस्तान जाते हैं, जबकि बाकी और जगहों के लोग हिंदुस्तान में ही रुक के रह जाते हैं। सब बैठे हैं यहीं पे, तो ये तो कोई अच्छी बात थोड़ी थी। ऐसा हुआ ना, जब उन्होंने काट ली है, रेलगाड़ी काटी है, हाँ जी, तो फिर इन्होंने भी शुरू कर दी, फिर वो भी डर के मारे भाग गए, हम भी डर के मारे भाग गए, पंजाब पंजाब के गए हैं, पंजाब पंजाब के, पंजाब पंजाब के, बाकी जगहों के लोग नहीं गए, कोई नहीं, वो सब उधर ही जहाँ से बता रहे वहां से आए, सब लालपुर से आए। आप भी तेरह गाँव के लोगों में से थे? तो ये नहीं हम लोगों को पता। अच्छा, हमारा जन्म तो बाद का है। बाद का है। माता जी क्या बताती थी? वो यही बताते गए थे, मतलब ऐसे जैसे अब हम तुम बैठे हैं, ऐसे ही बात खड़े हुए, ऐसे ही बात खड़े हुए, जानवर छोड़ दिए कि अपने जाओ खाओ, अब कि बंदे ना दिखाई दें। अच्छा, ऐसे लेके अपने जाने बस बात खड़े हुए, माता जी ये बताया कर। अब जब बुजुर्ग यहाँ मिले हैं, जो हमें पाकिस्तान की वो उस समय की बात सुनने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हम लोगों को क्या पता, जो हमारे जल में बात करते हमको क्या पता क्या। हाँ हाँ, सही बात, आपकी माता जी आई और बहने हमारी जवान थी, भाई हमारे बड़े जो हैं वो 12-13 साल के बता रहे हैं। आपका पूरा परिवार तो आ गया था बंटवारे में इधर ही, या कुछ लोग उधर रह गए थे? वो मतलब ये लोग आ गए सब। अच्छा, ये तो मतलब ऐसा था, बता रहे हैं कि भाई जितनी बड़ी लड़कियां थी, जवान थी, तब जब डोगरा मिलिट्री आ गई। हाँ जी हाँ जी, डोगरा रेजिमेंट, डोगरा मिलिट्री जो है उस लोगों ने इनको मतलब पचाया। हाँ, हमारे ससुर जो हैं वो तो इतने कटे हुए थे। अच्छा, जिसका कोई साफ किताब नहीं, गला भी खाली जब बची हुई थी। जिंदा रह पाए थे क्या? जिंदा रहे। ओहो, तलवारें लगी उनको? तलवारें इतनी जो सब कटे हुए हम देखते थे, जब हंडाते थे। हाँ हाँ, हमारी बरात हुई है। हाँ हाँ हाँ, तो अभी तो वो खत्म हो गए होंगे। वो खत्म हो गए कम से कम 16-17-18 साल। 18 साल हो गए। हाँ, तो कोई रिश्तेदार आपके उधर रह गए पाकिस्तान में अभी? नहीं, तो वहां से सब चले आए ना लोग। सब चले आए, वहां से सब चले आए लोग। लेकिन बताते हैं कि जो लोग रह गए वो रह गए, वो मुसलमान बन के बताते हैं रह गए। यानी उन्होंने कन्वर्जन कर लिया। हाँ, धर्म परिवर्तन कर लिया वो, करा उन्होंने। अच्छा, मतलब सिख नहीं रह गए? सिख नहीं रहे, उन्होंने कहा कि कबूल कबूल कबूल, और अब हम जो है इस्लाम कबूल करते हैं। ऐसे लोग रह गए, ऐसे लोग रह गए। आप तो लोगों ने कहा कि नहीं, कंघी केश कपाड़ कड़ा, मतलब जो है धर्म वाले वो नहीं हुए। हाँ, उन्होंने मरना कबूल है लेकिन ये नहीं होना है, ये नहीं होना है। भाई गुरु की मेहर है कि आप लोग वो सब उसी की मेहर से सब जो कुछ चला एस्टेब्लिश हैं अभी। हम लोग दोनों जने जब यहाँ बैठते हैं, हमारे लोगों की दोनों की यही बात चलती, हम इनसे सुनते, हमें बहुत मतलब वो माता जी हमारी सुनाई करती थी। अच्छा, हमें वो बहुत मतलब सुनने में वो आता, फिर आंसू भी आ जाते हैं। आंसू आ जाते हैं माता जी ने देखा वो, उन्होंने पूरा सीन देखा है ना। अच्छा, वो तो
पूरे में आए हैं, जब मतलब जब शराब पर था, दंगा फसाद तब वो तब आए, जब अराजक वहां बता रहे हैं कि उनका एक मुसलमान दोस्त था, अच्छा वो इन लोगों को सबको लेके चला पहुंचाने के लिए, पहुंचाने के लिए, अच्छा। अब वो लोग मुसलमान बता रहे हैं कि आ रहे थे काटने, आ रहे वो गाड़ियां निकालता है इनका सामान ले लो जाके, इनसे पास क्या है, इनका सामान ले लो जाके इनके पास क्या है। अब वो कुछ देर मतलब जब उसको देखा अब मेरे को भी खतरा होना, अच्छा वहां से धीरे से अपना वो पीछे निकला और चला गया, चला गया। अब ये लोग फिर वैसे डगमगाए गए, अकेले रह गए, अकेले रह गए। और फिर ऐसे मतलब देखा दोनों में मतलब जो है वो, फिर वो डोगरा मिलिट्री जब मिली, इंडिया की मिलिट्री जब पहुंची वहां पर, वो लाई फिर इनको सुरक्षित निकाल के लाई। जो लड़कियां थी जवान उनके सब पगड़ियां बंधवाई, लाठियां वर्षे सब के हाथ में दिए मिलिट्री ने, हाँ अच्छा। तो सब चारों तरफ चलते थे, आगे पीछे आगे पीछे, बता रही माता हमारी मिलिट्री चलती थी, हाँ। और तब जाके 20-30 दिन में काफला वो पहुंचा है, पहुंचा है। आपके पिताजी और माताजी कहाँ पहुंचे थे सबसे पहले? जब यहाँ पर जब बुजुर्ग बता रहे हैं फिरोजपुर, वहाँ ही पहुंचे हैं। उधर ही हमारे बाबा की जमीन थी 10 एकड़, अच्छा। अब वो मतलब उनको मिली नहीं ऐसे पता क्या हुआ, वो किले वो भी अपने माता हमारी बताया करती है, अपने बाप मरे से बाद में पैदा हुए तो उसको क्या पता। बिल्कुल सही बात, जब हम पाकिस्तान से बाद हुए पैदा तो हमें क्या पता। बिल्कुल बिल्कुल, अब सुनने वाली बातें हैं। और फिर यात्रा को जाओ जहाँ बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं वहां छीन लगे हुए हैं वो लड़ाई वाले, हाँ वो जब देखते हैं तब याद आता है कि क्या कुछ रहा होगा, ये हुआ हुआ, ये हुआ है। बिल्कुल, उसको देख के फिर लुई खड़ी हो जाती है, हाँ। लेकिन बड़ा ही खौफ ज्यादा माहौल था वो माहौल तो ऐसा था, बता रहे कि बोलो लड़कियों ने कुओं में छाला मार दी, नहरों में डूब गई, हाँ। लेकिन वो उनके हाथ नहीं आई, हाथ नहीं आई, ऐसे जो मतलब कोई इज्जतदार आदमी था। अब बाकी भाई जो उनके कब्जे में आ गया वो तो उसको ले ही गए, वो ले गए, या तो उनका धर्म परिवर्तन कर दिया या फिर उसको मार डाला, मार डाला, क्या करा क्या नहीं करा, अब कौन देखने गया, वहां तो जान अपनी अपनी की पड़ी, बराबर बात, अपनी अपनी जान की पड़ी है, वहां कौन देखेगा किसको देखेगा, वो तो जो निकल गया सो निकल गया। आप बताइए, बताइए बहू जी क्या कह रहे हैं। फिल्में बनाई गई आप लोगों की, हाँ ये फिल्म हमने देखी, उस फिल्म का नाम नाटक, नास्तिक, हाँ जी, अच्छा नाटक मतलब भगवान है ये नहीं, और मानने से बंद कर दिया। ओहो, जब चलते थे क्या नाम है काफले, ये घंटी बजती थी मंदिरों में, तो हीरो जीत उसको जमाने में तो कानों में उंगलियां दे, बंद करो इसको, कोई भगवान नहीं है उसमें, गीत ऐसे थे ना हम आपस में ये करते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। उस नास्तिक फिल्म में बंटवारे का पूरा 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 काफला दिखाया उन्होंने, पूरा जो कुछ होता रहा वो सब कुछ दिखा दिया जी। हाँ हमने वो फिल्म भी देखी, देखी आप, हाँ जी। फिल्म देख के आपको कैसा लगा, आपने कहानी याद आ गई, कहानी फिर वही जो हमारी थी, बिल्कुल दोबारा देख ली गई हमारे साथ क्या हुआ। बिल्कुल सही बात कि कहीं आप लोग जिन हालातों में जैसे तैसे यहाँ तक पहुँच पाए, कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं था, ना कोई देखने वाला नहीं। 65 में लड़ाई लगी, 65 में लड़ाई लगी, तो नेहरू जी का दान हुआ कि 10-10 रुपया फी परिवार देवो। अच्छा नेहरू जी ने कहा कि 10-10 रुपया परिवार, 10 रुपया परिवार देवो। हम उस टाइम पंचायत के मेंबर थे, अच्छा, तो कई कई लोगों को मतलब गए घरों में, आज नहीं भाई कल ले लियो, कल नहीं अभी परसों ले लियो, 10 रुपया निकालने में मुश्किल थे। 10 रुपये सरकार नहीं दे पा रही थी, दे नहीं पाई तो सरकार को दिए। और उस जमाने में जब लड़ाई हुई है तो सरकार का क्या काम था, अब तो फौज को देते हैं, कुछ नहीं, खाली बिस्तर भेजिए, अब तुम्हारा आदमी मर गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, लाशें पड़ी देखी, टुकड़े देखे उनके, आपने देखे, हाँ जी।
जब आप बॉर्डर पर पहुंचे फिरोजपुर, तो वहां पे सरकार की तरफ से राशन वगैरह दिया गया आप लोगों को? कुछ नहीं, बस बॉर्डर निकाल दिया, बल वाला हेड कहते थे उसको। हाँ जी, तो हेड निकाल के पता नहीं लगा मिलिट्री कहाँ चली गई, कुछ नहीं, कोई मिला ही नहीं। बल्लू वाला हेड से आप लोग अपने हालातों पर, अपने आप पर जैसे जिंदा रह पाओ? कोई नहीं, कुछ नहीं। 20 दिन के उस काफिले में आप लोगों ने तय कर लिया था कि किधर जाना है? हाँ, कुछ लोग जानते भी थे कि इधर झगड़ा है, अच्छा खतरा है, अच्छा तो दूसरे गांव में इधर 10 किलोमीटर होके निकल चलो, बच के निकल चलो। हाँ, जो बुजुर्ग जो आते जाते जाते थे ना जी। हाँ जी, जैसे पुआया में खतरा हुआ, हमारा गांव है, पुराना गांव है हमारे बुजुर्गों का, इधर अमृतसर में है ना। क्या गांव है? शायद मूद। हाँ जी, शायद मूद अमृतसर। हाँ जी, पुराना बुजुर्गों गांव है, पुराना बुजुर्ग। एक एक हमारे मतलब पिता का दौआ है यहाँ से। अच्छा, शायद मूद में। हाँ, और आप लोग लैलपुर में थे? लैलपुर चक नंबर 292। हाँ, वो जब जमीन गई है ना अंग्रेज ने, तो वो नहीं गया, वो पहलवान था जो कुश्ती के कमांड में नहीं गया, तो बाकी लोगों को 25-25 एकड़ जमीन मिली। अच्छा, तो जब बंटवारे के बाद आप दोबारा आए लौट कर, तो ताऊ जी आपको यहाँ मिले? हाँ जी, मिले। उन्होंने स्वागत किया? हाँ, फिर जितने उन्होंने किया। जब सेटलमेंट हो गया, शांति पूर्ण माहौल हो गया, उसके बाद कभी आपने कोशिश की कि पाकिस्तान जाऊं वापस दोबारा? पाकिस्तान बॉर्डर खुला था। खुला था, हाँ, लगभग 3 साल बाद खुला था। हाँ, उस टाइम आप जाना चाहो तो कुछ नहीं लगता था, केवल 3 रुपए की फोटो लगती थी जी, तो बस जाओ घूम के आओ। उन लोगों ने बहुत स्वागत किया फिर। अच्छा, ज्यादा तो फिर इधर जब वो भी आए जी, हमने खुद उनको पानी पिलाया, तो बड़ा प्रेम से इधर भी एक ही जन रुकते थे इधर। फिर लोगों ने अपने अपने मेहमानों की तरह उनको मतलब अपने अपने घरों में ले आए जी। एक बिजली पहलवान था पाकिस्तान का, नहीं इधर का। अच्छा, बहुत बड़ा आदमी था जी, उसने एक सिनेमा बुक कर दिया मुसलमानों के लिए। अच्छा, तो इसका कोई पैसा नहीं लेना, मुसलमान देखेंगे। अच्छा, हाँ, एक दिन के लिए आए थे, एक दिन उनके लिए चलता रहा पैसे। अच्छा, उसने बिजली पहलवान ने। आप लोग इधर से उधर जाते थे तो वहाँ पर वो स्वागत करते थे बहुत ज्यादा, पाकिस्तान के लोग? हाँ जी, और पाकिस्तान वाले जब इधर आते थे इधर उनका तो स्वागत करते, हिंदुस्तान वाले भी स्वागत करते थे। यानी कोई लड़ाई फसाद झगड़ा नहीं, नहीं कोई लड़ाई फसाद नहीं। लड़ाई फसाद करने वाले थे गुंडे थे कुछ लोग। अच्छा, सब नहीं थे, सब नहीं थे। तो आप लोगों ने पूछा नहीं उन लोगों से जो आ रहे थे पाकिस्तान से कि आपने हमारे इतने लोग काट डाले, मार डाले, क्यों मार डाले? नहीं पूछा ना। अच्छा, कुछ नहीं, कोई पूछता ही नहीं था ना उनको, उन्होंने पूछा ना इन्होंने पूछा, कोई नहीं पूछता था जी। अभी वर्तमान में तो दोनों देशों के हालात बड़े अच्छे नहीं है, तलखियां हैं आपस में, तो इसके पीछे क्या बताएं, वजह बताएंगे आप? क्या बताएं, अब बस वही गुंडे वाला साल है और कुछ नहीं। हाँ जी, वो जो उधर की सरकार नेते हैं वो गलत है, सरकार गलत है बिल्कुल। कहते हैं कि अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर जगह। इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा वास्ता अच्छे लोगों से पड़ रहा है कि बुरे लोगों से पड़ रहा है। बाबूजी बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और मैं चाहता हूं कि आप 97 वर्ष के हैं, आपकी उम्र और लंबी हो, और आपकी कहानियां ऐसे ही हम लोग सुनते रहें, दिखाते बताते रहें। जब डोंगा चला वो भी हमें हुआ। अच्छा, जब कोरोना डेंगू भी हुआ सब कुछ हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अच्छा, जिसने आप पर बाबा की मेहर है, जिसने हमारा इलाज किया ना डॉक्टर ने। हाँ जी, बहुत बड़ा डॉक्टर था, मुसलमान था वो। अच्छा, और हमारे पोता लेके गए अस्पताल में।
हाँ जी, तो उन्होंने बता दिया डॉक्टर को कि ये पाकिस्तान से आए हैं और आप लोगों को बड़ा याद करते थे। वो डॉक्टर हमें चाचा कहने लग गया। अच्छा, डॉक्टर से चाचा कहते नहीं है। हाँ, नहीं कहते। और चाचा कहने लग गया, बहुत प्रेम करा, बहुत मेरा मतलब सबसे ज्यादा मेरा उन्होंने ख्याल रखा। कहाँ पर की बात है ये? ये काठ के, काठ जलालाबाद। हाँ, जलालाबाद। जी 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 जी। अभी जब आप हिंदुस्तान आए, फिर अमृतसर आ गए, अमृतसर के बाद फिर इधर कैसे आए, यूपी में कैसे आए? यूपी में वो फिर जमीन जो थी अच्छी नहीं थी। कहाँ, पाकिस्तान में? नहीं, यहाँ पाकिस्तान में बहुत बढ़िया जमीन थी, बहुत बढ़िया। अच्छा, और यहाँ कोई अच्छी नहीं थी। तो फिर अमृतसर से कितने दिन बाद आप यूपी आए? लगभग 20 साल बाद। 20 साल तक अमृतसर में ही रहे? नहीं, जलंधर जिला में, नूर महल। जलंधर में रहे? हाँ। I mean, आप जब लैलपुर से आए तो फिरोजपुर होते हुए अमृतसर आए? अमृतसर आए, फिर जलंधर में रुके, फिर जलंधर जमीन लाट हो गई, जिला जलंधर में। जिला जलंधर में जमीन लाट हुई। हाँ, उसी मुसलमानों के गांव में। हाँ, जहाँ से लोग भाग करके उधर चले गए थे। जलंधर में आप 20 साल तक रहे। हाँ, फिर 1967 के आसपास, 70 के आसपास आप लोगों ने इधर का रुख किया। हमें याद है ना, हम 71 में आए यूपी में। 71 में आए? 71 में। जी 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 जी। तो फिर तब से इधर ही यूपी में है? हाँ। अच्छा, तो इधर की जमीनें कैसी थी जब पहले आप रहते थे? कहाँ पे आए यूपी में, किस जगह आप आए सबसे पहले? बंडा। बंडा आए? हाँ। वहाँ कितने दिन रहे? वहाँ रहे 10 साल। 10 साल। हाँ। देन आफ्टर फिर यहाँ आ गए? भूड़ थी जमीन, वहाँ भूड़ थी। और 5 भाई हम था, हमारे से 3 हमारे जाऊ के से, 8 जने, 8ों ने कच्ची जमीन ले ली, तो कुछ बंटवारे में दिक्कत हुई फिर। अच्छा बाबूजी, पाकिस्तान में जब आप रहते थे, 15 साल के थे, तो वहाँ की आबो हवा कैसी थी? हमें तो अब तक ऐसी मिली नहीं। हाँ, जितनी अच्छी थी। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी आवाज थी। और जमीन भी अच्छी थी? जमीन भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो तो बताते हैं, मर रहे भूखे, अपने नीर से मर रहे। अभी तो पाकिस्तान के बड़े बुरे हालात, बहुत बुरे हाल है, अपनी नीयत की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। वो जमीनें जो सोना उगलती थी कभी आप लोगों की मेहनत से, आज वहां पर कुछ भी पैदा नहीं होता है। ऐसा था, जब जब जमीन मिली है ना, तो हमारे पिता ने घर से हर जोत लिया, लकड़ी के हर वो जमाने में होते थे, हर जोत लिया, लीक मार दी के, हमारी माता को कह दिया कि लीक लेक चली जाइए खाना लेके, क्योंकि जंगल था, कतई जंगल। तो कहीं कोई खतरा नहीं था, मतलब आराम से? कुछ नहीं, कोई खतरा नहीं था। मुसलमानों का गांव आपके गांव से कितनी दूर था? लगभग होगा कोई 10 किलोमीटर। कभी कोई झगड़े फसाद लड़ाई कुछ हुआ? कभी नहीं हुआ उनके साथ, कभी नहीं हुआ उनके साथ, कभी नहीं ना। अच्छा, अंग्रेजों के अफसर, उनके क्वार्टर्स भी बने होंगे आसपास? अफसर ऐसा है, हमने एक करोल उनका देखा है, हमारे गांव में पानी नहरें थी ना, पानी कम था जी, फसल अच्छी नहीं भरती जी, तो 4-5 आदमी बुजुर्ग गए, आप जैसा अंग्रेज था जवान नई उम्र का जी, तो उससे कहने लगे साहब पानी कम है जी। तो वो कहने लगा कि उस टाइम जब मोटरसाइकिल गाड़ियां गुड़ियां कुछ नहीं थी, कुछ नहीं। तो कहने लगा ऐसा है, चौकीदार को भेज दियो, चौकीदार को सरकार तनख्वाह देती थी गांव गांव में, बिल्कुल, तो वो सरकार के काम करता था, कोई संदेशा वगैरह, कोई डुग्गी पीटने, कोई कोई करना, बिल्कुल। तो घोड़ा भेज दियो जी, तो घोड़ा चौकीदार के हाथ भेज दिया, बैठ के आ गया जी, तो उसने देखा हुआ क्या पानी कम है, कम है, नाल छोटी है। हाँ जी। तो फिर उसने आके डलब ले आइयो, तो कल अपने पाइप एक और ले आके गाड़ लो, एक पाइप और लगा लो। हाँ, इतनी जल्दी काम हो गया। अब तक जब तक मैं कुर्सी टूट जाए वो नहीं बनती। अंग्रेजी हुकूमत में सही बात, काम तो सही से, बिल्कुल सही से। जब ऐसा ये करें ना, ये हमारे नेता लोग करें, तो ये अमेरिका से कम नहीं है देश, कसम से।
फिक्र है, ये कम नहीं है। अमेरिका कनाडा हो जाए हमारा देश, बिल्कुल बिल्कुल यही कनाडा है। बिल्कुल बिल्कुल, नेता ठीक हो तो सच्ची बात है। बाबूजी जब 15 साल के आप थे उस समय देश की आजादी के लिए भी लोग लड़ाइयां लड़ रहे थे तो नहीं देखी वो लड़ाइयां? नहीं देखी आपने? नहीं कुछ नहीं देखा। अंग्रेजों के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे थे? कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा। आपने सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत देखी है? उस रेडियो में कुछ खबरें तो आती होंगी कि कुछ सरदार भगत सिंह वगैरह उस समय लड़ाइयां लड़ रहे थे कुछ उस जमाने में, ये तो सुनी जाती थी लेकिन देखी नहीं थी। अच्छा, इस तरह से आपने अपना पूरा दौर पाकिस्तान में 15 वर्षों का काटा। फिर आपका विवाह कहाँ हुआ? जालंधर में हुआ कि फिर? जालंधर में। जालंधर में हुआ। जो आपकी पत्नी है वो हमारी माता जी, वो भी पाकिस्तान से ही आई? वो भी पाकिस्तान से आई है। इनका गांव तो हमारे गांव का केवल 2-3 किलोमीटर का अंतर है। अच्छा, इकट्ठे आए? इकट्ठे आए दोनों लोग, इकट्ठे आए। उसी काफिले में वो भी आई थी? वो भी आए। तो आप लोगों को मालूम रहा होगा कि क्या हम लोग कभी पति पत्नी बनेंगे आगे चल के? बेटा हम इधर आए तभी कोई नहीं की याद। आपको शादी की तो याद होगी? शादी की याद 18 वर्ष के। अच्छा, तो क्या आपको मालूम था कि जिस बंदे से शादी हो रही है वो उसी काफिले में था? मालूम, एक ये नहीं मालूम, बाद में मालूम हुआ। अच्छा, बाद में मालूम हुआ। हाँ, चूंकि कई गाड़ियां थी वहाँ, गड्ढा बहुत थे। ये फिरोजपुर रहे, फिरोजपुर भी हम लोग भी रहे। अच्छा। हमारी दादी, हमारी अम्मा, हमारी। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब हमारी उम्र भी बहुत थी। अच्छा, इनकी उम्र बहुत कम थी। आपसे कितना छोटी हैं माता जी? ये होंगे लगभग 85 साल के। ये 85 के हैं? हाँ। आप 95 साल के हैं? हाँ, 10 साल बड़े हैं। 10-12 साल का अंतर है? हाँ। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इतना तो चलता है बाबू जी। और जब कोई सुनता था ना, कहते अरे ये क्या था, ये क्या? हाँ। उस समय हमारा कुछ काम अच्छा बन गया ना, बढ़िया। हाँ। तो इनके कुछ तो वो जो काफिले में आपके हम सफर थे उसी में से आपके जीवन की हम सफर बनी माता जी? कट्ठे रहे लेकिन साथ साथ काफिले में भी साथ थे। हाँ। और जिंदगी के काफिले में भी साथ है। हाँ, इनकी बुआ फिर हमारी मजवा है। अच्छा, ऐसे इनकी बुआ ने शादी कराई आपकी? हाँ, वो मीडिएटर थी? वो थी लगभग थोड़ी दूर एक फलाग पर गांव था उनका, पाकिस्तान में ही? नहीं, यहाँ यहाँ पर जालंधर में। हाँ जी। तो वो फिर हमें सबको जानती थी, कहने लगे परिवार इनके पिता, कहने लगे लड़का बड़ा है। तो उसने कहे नहीं, बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता, कर दे काम अच्छा है, अपने मजे करेंगे, कर देगा। रोजी रोटी खा रहे हैं, कमा रहे हैं बढ़िया से। अभी बाबू जी कितने बच्चे हैं आपके? हमारे चार। चार बेटे? दो लड़कियां। दो बेटे, दो बेटियां। हाँ जी। मैं वाहे गुरु से कामना करूंगा कि आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहे। और एक पोता जी, पोता भी है वो? हाँ, बहू जी वो लंदन पहुंच गए। पोता पोती लंदन में है? लंदन में। और बाबा पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में है? हाँ जी। बड़ी अच्छी बात है। और आपने समय दिया हमें, बताई कहानियां उस बंटवारे की जो, हाँ, आपकी जो हार्ड बीती थी वो सब सुनाई आपने, और व्यवस्थाएं क्या थी सरकार की तरफ से दी जाने वाली, और उस काफिले का दर्द क्या था वो सब सुना हमने। रोंगटे खड़े हो गए, कई बार आंसू भी आ गए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मेहरबानी आपकी। थैंक यू सो मच।